प्रदेश के हरदा में विस्फोट हादसे के बाद अब भी पटाखों का जखीरा मिल रहा है। विस्फोट हादसे के 7 दिन के बाद फिर से 2 ट्रक भरकर पटाखे मिले हैं। ये पटाखे हादसा स्थल के करीब स्थित एक मकान में मिले हैं। पुलिस ने बुधवार रात को पटाखे जब्त कर लिए। एडिशनल SP ने बताया कि पटाखों को जब्त कर सुरक्षित स्थान पर रखेंगे और कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इन्हें नष्ट किया जाएगा। देखें ये रिपोर्ट। हरदा के बेरागढ़ में 6 फरवरी को पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के दौरान 13 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री के एक हिस्से में स्थित गोडाउन को आग की चपेट से बचा लिया गया था। 2 डंपर्स में भरे इन पटाखों को अब डिस्पोज किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में हरदा ASP RD प्रजापति ने बताया कि पटाखा फैक्ट्री परिसर में रखे पटाखों को जब्त किया गया है, जो करीब 2 ट्रक में भरकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। वहीं न्यायालय से अनुमति लेकर बम स्क्वाड की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर या जलाकर नष्ट किया जाएगा। घटना स्थल के आसपास जो है एक मकान बच गया था जिसमें पटाखे भरे हुए थे। वो 2 खंड की बिल्डिंग है, उसको जो पटाखे हैं वो जब्त किए गए हैं और उनके नष्टीकरण की कार्रवाई के लिए अभी हम कार्रवाई करेंगे। इसमें जो है 3 खंडों में भरे हुए थे पटाखे और करीब वो 2 ट्रक तो होंगे लगभग। तो अभी जब्त किए गए हैं और जब्त करने के बाद हम कोर्ट से अनुमति ले करके और उसमें नष्टीकरण की कार्रवाई कराएंगे। आपको बता दें कि इसके पहले भी पुलिस प्रशासन को मलबे में 16 ड्रम्स में भरे हजारों सुतली बम मिले थे, जबकि सिराली में नहर के पास भी कई क्विंटल्स में सुतली बम मिलने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, हरदा।